भाई मैं कितना ज्यादा आलसी हूँ इस बात से अनुमान लगा लो कि जो अपडेट 4 अगस्त 2022 को आई थी उसका रिव्यू मैं 18 अगस्त 2022 को कर रहा हूँ। 2 हफ्ते बीत गए हैं, आप लोगों ने इसे अपडेट भी कर लिया होगा, खेल भी लिया होगा, मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आज मैं अपने गेम को अपडेट करूंगा। मैंने अब तक अपडेट भी नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूँ बस सिमुलेटर इंडोनेशिया की नई अपडेट 3.7 की, जिसको आज मैं अपडेट भी करूंगा, साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या कुछ नया मिला है और गेम प्ले में क्या कुछ अलग हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, हम लोगों ने अपनी GTA 5 सीरीज स्टार्ट की थी, 2 वीडियो भी अपलोड कर चुका था मैं, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स आउट ऑफ द वर्ल्ड रहा है। 2 वीडियो पर 2600 व्यूज, शर्म आती है बोलते इसमें, लेकिन आप लोगों को नहीं आई देखते इसमें, आप लोगों ने देखा ही नहीं। तो इस सीरीज को मैं अपने दूसरे चैनल पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, कम से कम मुझे फील तो नहीं होगा ना बुरा। तो चैनल का नाम है हरियाणवी गेमर्स, यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट पिन कर रखा है, जाकर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो अभी आते हैं आज की वीडियो पर। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर चलते हैं और अपडेट करते हैं। तो भाई ये है मेरा गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पर मुझे गेम को अभी अपडेट करना है। अभी तक अपडेट नहीं किया तो अपडेट बाद में करेंगे, पहले देखते हैं क्या कुछ नया मिला है। तो व्हाट्स न्यू पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही हमारे सामने ये आ गया 3.7 इस अपडेट का वर्जन है, 50 से ज़्यादा नए सीन ऐड किए गए हैं, टूरिज्म मोड मतलब चौथा मोड भी आप लोगों को इसमें मिल गया है। पहले आप लोगों को व्हीकल मोड मिलता था, अब इन्होंने मैप मोड भी ऐड कर दिया, बहुत ही प्यारा है भाई, मज़ा आएगा। कैरियर मोड में ओनली पिकअप इन स्टेशंस है और बहुत ज़्यादा छोटे मोटे सुधार भी किए गए हैं। और 4 अगस्त 2022 को आई है, जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 808 MB इस गेम का साइज़ है, इस अपडेट का साइज़ है, और एंड्रॉयड 5.1 पर ये रन करेगी। तो मैं सबसे पहले अपडेट करता हूँ, हो जाएगी अपडेट, स्किप मारो। तो जैसे ही अपडेट होगा गेम, हम पहुँच जाएंगे होम स्क्रीन पर। यहाँ पर अब आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे फ्री मोड, कैरियर मोड, टूर मोड और मल्टीप्लेयर मोड। पहले 3 मोड मिलते थे, अभी 4 हो गए, टूर मोड ऐड कर दिया गया है। अब मोड में चलते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को मैप मोड। मैप मोड करना बड़ा ही आसान है, मैप डाउनलोड करो और व्हीकल मोड की तरह यहाँ पर इम्पोर्ट कर लो और फिर उसमें खेलो, कतई स्वाद आ जाएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बैक, फ्री मोड पर चलते हैं, एक छोटा सा रास्ता सिलेक्ट करते हैं। तो जो भी मैंने पहले कर रखा था उसको मैं सब भुला देता हूँ। ये 2 चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों को, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों ही इंडोनेशिया के आइसलैंड है, छोटे छोटे जावा और सुमित्रा, तो ये उनको इंडिकेट कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं लोकेशन सेट कर लेता हूँ, इसमें ऑफ रोड मिलता है, मैंने इस रास्ते पर कई बार खेल रखा है, तो मैं देख के बता दूंगा कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आ गए बस स्टैंड पर, अपनी बस खड़ी है ये, और ग्राफिक्स क्वालिटी तो इस गेम की पहले भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। फिलहाल यहाँ पर शाम के 4 बज चुके हैं और तारे दिख रहे हैं 4 बजे ही, पता नहीं इंडोनेशिया में होता है ऐसा या नहीं होता है, लेकिन गेम के अंदर तो तारे दिखाई दे रहे हैं। और ये इंडिकेटर सा जला रखा है मैंने, इसको बंद करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं आप लोगों को पूरी सिटी दिखा देता हूँ, ये देखो ग्राफिक्स वाइज बहुत ज़्यादा प्यारा है, और मैं कंप्यूटर के अंदर खेल रहा हूँ तो ग्राफिक्स वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे निकल कर आ रहे हैं, कंप्यूटर और मोबाइल में फ़र्क रहता है ना। तो अभी हम निकलते हैं बस को लेकर और देखते हैं क्या कुछ हम लोगों को रास्ते में नया मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं इनको बंद कर लेता हूँ, ये मेरे सिर में दर्द कर देंगे वहाँ तक, तो हो क्यों नहीं रहे। यहाँ पर मेरे को पहले कंट्रोल दिखाने पड़ेंगे इसको, चलो कोई नहीं, बाद में कर, ये यहाँ से हो जाएगा। चलो भाई इसको तो मैंने कर लिया है बंद, अभी सामने देखो चंदा मामा भी दिखाई दे रहे हैं, तारे भी दिखाई दे रहे हैं 4:15 बजे ही। तो आगे चलते ही हम लोगों को जाना है कि साथ राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड ये नारे किस चीज़ के लगाते हैं यार, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। थोड़ा सा आराम से, ठोकना मत, एक्सीडेंट मत कर दियो, चलो सही है। तो अभी सीधा चलेंगे, जहाँ जहाँ पर हम लोगों को रास्ता लेके जाएगा वहीं पर हम पहुँच जाएंगे। फिलहाल हम कौन सी सिटी में हैं मुझे सिटी के नाम याद नहीं रहते, नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर ग्राफिक्स क्वालिटी में मुझे पहले से थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिल रहा है। बस की क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी सुधरी हुई है, पहले फटी फटी क्वालिटी सी होती थी, इतनी ज़्यादा क्लियर बस मुझे दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आज क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है बस की, और ड्राइविंग करते इसमें मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि ग्राफिक्स क्वालिटी अच्छी हो तो वैसे ही मज़ा आ जाता है। फिलहाल तो सिटी के अंदर है तो मैप से रिलेटेड मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, जैसे ही सिटी से बाहर जाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये चेंजेस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इतनी जल्दी शाम हो रखी है, ये भी एक चेंज ही लगा लो यार, वरना इतना जल्दी काहे को शाम होती है, बहुत बार खेला है हम लोगों ने मिलकर खेला है। फिलहाल लोडिंग हो गया है तो थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में, ये इस गेम की कमी भी लगा लो। तो अभी हम आ गए हैं शहर से बाहर, तो शहर से बाहर आते ही हमें जाना है यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, पहले हम यहीं से टर्न लेते थे, अभी इन्होंने राइट साइड टर्न दे दिया है, पहले हम लेफ्ट साइड टर्न लेते थे जहाँ से एक ऑफ रोड रास्ता आता था छोटा सा, लेकिन आज मेरे ख्याल से ऑफ रोड रास्ता नहीं आएगा,
क्योंकि रूट इन्होंने मेरे ख्याल से चेंज कर दिया है थोड़ा सा, और सामने पहाड़ है। ये पहाड़ तो पहले भी दिखाई देता था, लेकिन ये खाई दिखाई नहीं देती थी जो नीचे है। तो ये कुछ नई सीन्स वगैरह हैं जो यहाँ पर ऐड किए गए हैं, जो इस गेम को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि सूर्य चाचू एकदम से ढलने को तैयार हैं और पहाड़ियों के पीछे हैं, तो गजब का नज़ारा दे रहे हैं। यहाँ पर दो रास्ते पड़ रहे हैं, लेकिन हमें सीधा जाना है, और रास्ते के बीच में ये साइनेज किसने लगा दिया? देखो यार, ये हम तो इंडिया में वैसे ही बदनाम है, इंडोनेशिया में भी ऐसे काम होते हैं। तो जो ऑफ रोड रास्ता था इन्होंने यहाँ से गायब कर दिया। ये ठोक दिया मैंने, कोई नहीं, अभी इसका फ़ायदा उठाता हूँ, हेडलाइट ऑन कर लेता हूँ, रात हो चुकी है। तो हेडलाइट ये रही, हो गई ऑन। तो अभी हम अपनी बस को फिर से दौड़ाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है, इसकी कंट्रोल एकदम से गायब हो जाते हैं। रिवर्स लेंगे, आजा आजा थोड़ी सी पीछे, आ गई पीछे, और अभी चलते हैं आगे। सबसे खास बात मुझे ये लगी है कि हमें यहाँ पर मैप मोड मिल गया, अब हम मैप अपनी मर्जी का लगा सकते हैं और उस पर ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन डेवलपर्स कब तक मैप देंगे हमें बना के, ये मुझे नहीं पता, मेरे को खुद भी नहीं आता बनाना, यदि बनाना आता तो मैं तो बना लेता अब तक। यदि आपको आता है तो बनाओ यार कोई बढ़िया सा मैप वैप, मज़ा आएगा। फिर रास्ता देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा थोड़ा रेत है, एक साइड है रेतीला सा रास्ता, एक साइड से पक्का है, एक साइड बहुत ज़्यादा मिट्टी है, पता नहीं क्यों है। लेकिन इस पर ऑफ रोड आता था, लेकिन आज ऑफ रोड नहीं आया है, पता नहीं इन्होंने गायब कर दिया यार। ये थोड़े बहुत मतलब सुधार करते हैं, और एक आध अच्छी चीज़ होती है वो गायब कर देते हैं, वरना इस सिटी में आते थे तो ऑफ रोड आता था। कई बार खेला है मैंने उसके साथ, पिछली वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि ऑफ रोड कहाँ कहाँ पर मिलता है। ये इंडोनेशिया के झंडे लगे हुए हैं यहाँ पे भाई, एकदम जलेबी टाइप का चौक है। तो यहाँ से हम ट्रेन ले लेंगे, हमें जाना है राइट हैंड साइड। बस बड़ी मस्त लग रही है, फुल व्यू आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ से ट्रेन लिया है, अभी स्ट्रेट चलेंगे बिल्कुल। शाम हो चुकी है, यहाँ पर 5 बज चुके हैं, 5:15 का टाइम होने वाला है गेम के अंदर। हम सिटी से बाहर जाएंगे और सिटी पार करके हम अपने गेम प्ले को ख़त्म करेंगे, क्योंकि पूरा रास्ता तय करने लग गए तो बहुत ज़्यादा देर हो जानी है। जस्ट एक रिव्यू था, और रिव्यू का कंक्लूजन बस इतना ही है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को गेम प्ले के दौरान भी अच्छी देखने को मिली है। जो ग्राफिक्स क्वालिटी थी वो थोड़ी बहुत अच्छी कर दी गई है। सीधा चलना है यहाँ पर, मोड़ नहीं लेना, टकराना मत, ठीक है। और मैप मोड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, टूरिज्म मोड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिस पर आप टूरिस्ट प्लेस पर जा सकते हो इंडोनेशिया में। और आने वाले समय में ये गेम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो इसे खेलो आप और मज़े मारो, जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा मज़ा आप लोगों को आएगा। फिलहाल रात हो चुकी है, रात के समय मैं ज़्यादा ड्राइविंग करता नहीं हूँ। ये आगे रिक्शा वाले से मत टकराना मेरे भाई, तो इससे आगे ही ले लेते हैं, ये ऐसे ही दुखी रखेगा हम लोगों को, इससे आगे ले लेते हैं और आगे ले जाके टर्न कर ले लेते हैं इस साइड। तो अभी भाई टकराना नहीं, सीधा चलेंगे, थोड़ा सा यहीं पर रोक लेता हूँ मैं साइड में लगा के, या चलें, चलो यार थोड़ा सा चलते ही हैं, काय को रोकना अभी। तो हम ऑलमोस्ट सिटी से बाहर चले ही गए हैं। ये जो दूसरा रास्ता है ना, ये रास्ता था शायद वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं इन्होंने क्या कुछ कर दिया, अभी पजल सा हो रखा हूँ मैं तो, सच्ची बोलूँ तो एक्सीडेंट भी हो गया भाई यहाँ पर, पजल वजल नहीं मैं एक्सीडेंट भी कर रहा हूँ। आगे लोडिंग मैप है, तो इतना दूर तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि फिर लोडिंग मैप थोड़ा बहुत टाइम ले लेगा और फिर वही गेम प्ले बड़ा हो जाएगा। तो यहीं पर मैं किनारे पर अपनी बस को पार्क कर देता हूँ, और यहीं पर हम अपने गेम प्ले को भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई टोटली मिलाकर कहूँ ना, अपडेट बहुत ज़्यादा अच्छी है, ग्राफिक्स क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट मुझे तो देखने को मिला है, साथ ही नई नई सीन भी देखने को मिली है। हालांकि ऑफ रोड रास्ता जो इस रास्ते पर आता था, रूट पर आता था, वो हमें देखने को नहीं मिला है। टोटली मिलाकर मस्त है, खेलो आप, मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, कोई सजेशन को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।